से क्यों छीना मेरे? क्योंकि तेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं। अरे तैयार नहीं होना है क्या? ये देख तेरा शादी का जोड़ा। बंधु कितना सुंदर है ये। मुझ पे अच्छा लगेगा ना नंदू? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। रंग भी बहुत सुंदर है इसका। नंदू, मैंने सब गिफ्ट्स रखे हैं और इसमें नाम भी लिखे हैं, तू सबको बांट दे। तब तक मैं तारा को देती हूँ। हंस लो मीठी, दिखा लो सबको पति से मिले हुए तोहफे। ऐसे एक तोहफा मेरे से भी मिलने वाला है। अरे लाइए, मैं मदद कर देता। जी शुक्रिया। दाईजान, फहीम चाचा, ये आपके और वासु के लिए। अल्लाह शुक्रिया, मैं इन्हें यहीं रख देता। थैंक यू। माशाल्लाह, लो मीठी आ गई तुम्हारी दरानी। अच्छी तरह से देख लो दुल्हन बनने से पहले, दुल्हन बनने के बाद तो इसका रूप ही बदलने वाला है। और क्या, अब तो कुछ ही देर की बात है, फिर आ रही हूँ अपनी जेठानी को ले जाने के लिए। ये सब पहनना पड़ेगा। दूल्हे राजा, ये तो आधा सामान है, बाकी आधा आना बाकी है, जिससे आपको सजाया जाएगा। क्या सोच रहे? बस सोच रहा था कि पिछली बार जब तारा से शादी हुई थी तो कपड़े भले ही सादे थे, लेकिन गहने इससे कहीं ज्यादा भारी थे। मृत्युंजय, जो हो गया सो हो गया। अभी तुम्हारे सामने आने वाला कल पड़ा है, उसके बारे में सोचो। बेटा मृत्युंजय, देखो ना, ये आपके जूते चेक करने आई है। कह रही है कि जो जूते आपके लिए भेजे हैं, वो खुद अपने हाथों से पहना के उसका नाप सही है कि नहीं देखना चाहती है। ठीक है, कर लीजिए। अब मैं तुझे, आओ बैठो आराम से। देखो नाप लेके सीधे से चली जाना, समझी? अब आइए, आप पहना दीजिए। आइए। की
दाईजा। जी बहू रानी। काम करने के लिए कुछ बाई आने वाली थी, वो आई? जी नहीं, ना कोई मिरासी आई है ना बाईया। ये कौन है? जूता चेक करने आई है, अपने हाथों से कुंवर सा को जूते पहनाने आई है। जी, हम मदद कर दे? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसे कह दीजिए मोजड़ी पहनाए और चली जाए। जी रहने दीजिए ना, वैसे भी ऐसे लोगों को आज का दिन का इंतजार होता है, शगुन का। रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन जो भी काम करो संभाल के करना। ताईजा जी, आप चलिए हमारे साथ। जी हाँ। अब क्या? अब क्या, ऐसे ही आएगा? आप मेरी मदद कर दीजिए ना, वो शेरवानी दीजिए प्लीज। ये लीजिए। आप प्लीज खुद ही लगा दीजिए, मुझे यहां से थोड़ा सही करना है। धन्यवाद सहरा। अब जी आप मेरी थोड़ी सी सहरा बांधने में मदद कर देंगी? प्लीज आगे से मदद कर दीजिए। भाई दूल्हा तैयार हुआ है कि नहीं? हा? जी अरे हम चले। हाँ वो पहले दूल्हे की नजर तो उतार दीजिए। चले भाई, लेट हो गए। हाँ चले। पापा जाने से पहले क्या दादू का आशीर्वाद ले ले? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आइए चल। हाँ क्या खबर है वहां की? अच्छा ठीक है। खुशखबरी है दीदी साहब,
आप 15,000 वोटों से आगे चल रही है। अरे इस बार जीत हमारी पक्की है, पक्की। अरे पैर छोड़ना, फोटो खिंचाऊं कि तुझसे सेवा कराऊं? इसमें कोई शक नहीं, बहुत जल्दी आप मुख्यमंत्री बन जाएगी इस राज्य की। इसीलिए तो अरे फोटो खींचना, खाऊंगी थोड़ी, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। इसीलिए तो रुद्र की तरह जश्न मनाने से पहले तुम्हारी दीदी साहिबा तुम्हारे साथ जश्न मनाना चाहती हैं। बाद में फिर कहाँ वक्त मिलने वाला है ऐसे सजने का, सवरने का? नहीं, ये मुझे सियासत है ना, खा जाएगी तुम्हारी दीदी साहब को। गरो दीदी साहब, आज तक आपको खा जाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। खींच। बताइए भाई साहब, हमने सुना है कि आप 15,000 वोटों की बढ़त से आगे हैं, और आपकी पार्टी बाकी जगहों में भी आगे है। अरे इस बार जीत हमारी पक्की है। ठीक है भाई साहब, अब हम फोन रखते हैं, बारात निकलने को। हाँ अच्छा। यार बारात निकालो, बाजे बजवाओ, सबका बैंड बजेगा, सबका बैंड बजेगा, सबका, क्योंकि क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इस शादी में। अरे फोटो निकालना, ये माधुरी वाला निकाल। आ हाँ, बुरी खबर है दीदी साहब, आपकी पार्टी इलेक्शन हार गई है। बुरी खबर है दीदी साहब, आपकी पार्टी इलेक्शन हार गई है। खबर है दीदी साहब, आपकी पार्टी इलेक्शन हार गई है।
खुश रहो। अल्लाह तुम्हें खुशियां बख्शे। आदित्य जी, दुल्हन के देवर का ख्याल तो दुल्हन की बहन को ही रखना होगा। क्यों मीट, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे क्यों एतराज होगा, दुल्हन की बहन सर आंखों पर। भगवान, मेरा दिल राजधानी एक्सप्रेस से तेज क्यों दौड़ा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जो अब तक नहीं हुआ वही तो आज होने वाला है। और वैसे भी लाइफ में अगर दिल को छुप छुप गाड़ी की तरह नहीं दौड़ाया तो क्या किया? ठीक, अब हमारे जेठ जी हैं, उनका जादू तो चलेगा ही। क्यों क्यों? पर मीठी, आज ही ऐसा क्यों हो रहा है? आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो डर लग रहा है। इसे डर नहीं, बस थोड़ी सी बेचैनी कहते हैं। याद है तारा, पिछली बार जब तुम दुल्हन बनी थी तब तुम्हें एक बेटी एक बहन थी जिसने अपने परिवार के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। पर इस बार तुम ऐसी दुल्हन बनने वाली हो जो अपने प्यार से शादी करने जा रही है, अपनी आने वाली जिंदगी में ढेरों खुशियां भर के। थोड़ी सी बेचैनी तो होगी ना, पर फिकर मत करो, जो लोग दूसरों की झोली में इतनी सारी खुशियां भरते हैं उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती। भाभी जल्दी तैयार होइए, बाहर भाई पिता हो रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग बाहर जाते हैं। शैतान, चल 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 तैयार हो जा। तैयारी लग रही थी ना? अरे हो गई तैयार तारा? फाइनल टचअप बाकी है अभी। अच्छा, गिफ्ट गिफ्ट देखा अपना? गिफ्ट ले, मैंने तो अभी तक देखा तक नहीं। मुझे लगा ही था। देख लेना, खुश हो जाएंगे तुम्हारे। अरे माँ ने चुन चुन के गिफ्ट जो खरीदे हैं सबके लिए तो होश तो उड़ने ही है। चल चलते उसको लेकर तैयार कर। क्या कर रही तू यहाँ पर? कहा था ना मैं तू घर से बाहर मत निकलना। बोल। मुझे नहीं रहा गया भैया, मुझे मीर की शादी में शामिल हो रही था। तुझे ये बात समझ में नहीं आती कि घर से बाहर निकलने में तुझे कितना खतरा है? तुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था दादा, और इस घर से जुड़ी हुई तेरी खौफनाक यादें उनका क्या? तुझे होगा कर।